हेलो एवरीवन दिस इज़ दीपिका वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो आज हम डिस्कस करेंगे सॉक्रेट्स की पॉलिटिकल फिलासफ़ी तो सॉक्रेट्स की पॉलिटिकल फिलासफ़ी को डिटेल में समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम उस टाइम का जिस टाइम पीरियड से सॉक्रेट्स बिलोंग करते थे उसको उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रख लें जिससे कि हम ये बेहतर समझ पाएंगे कि जो सॉक्रेट्स थे उनके थॉट्स इस तरीके से शेप किए हुए जैसा ही मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल थिंकर को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके बैकग्राउंड को समझें राइट right? तो जो सॉक्रेट्स हैं वो द फादर ऑफ पोलिटिक वेस्टर्न पोलिटिकल फिलोसफी कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि जो सॉक्रेट्स हैं इनके इनके विचारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जो प्लेटो हैं उन पर और जो अरेस्टोटल हैं उन पर तो एक तरीके से ये फाउंडेशन रखते हैं नींव रखते हैं वेस्टर्न पोलिटिकल थाट की तो जस्ट टाइम पीरियड से सॉक्रेट्स बिलोंग करते थे एनशियट ग्रीक सिटी तो ये जो सिटी स्टेट्स थे ना ग्रीस के ये छोटे छोटे आइलैंड्स थे जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो और यहाँ पर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती थी तो जो मेज़र जो दो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और एक दूसरे के राइवलरी स्टेट्स थे वो थे एथेंस एंड स्पार्टा राइट एथेंस एंड स्पार्टा अपने आप में राइवलरी स्टेट्स थे जिनकी आपस में नहीं बनती थी और एक दूसरे के खिलाफ वॉर होता रहता था तो बहुत ही पॉपुलर वॉर है पेलोपोनेशियन वॉर जो इन दोनों के बीच में हुआ था अब एथेंस में डेमोक्रेसी था एंड स्पार्टा में मिलिट्री रोल था और इस तरीके से स्पार्टा के हाथों से एथेंस की हार होती है और दिस वाज द मेजर रीज़न जिसके बाद प्लेटो आप देखेंगे कि वो फिलॉसफी की तरफ मुड़ जाते हैं तो इसके इस टाइम पे हम ये देखते हैं कि जो जो टाइम पीरियड था ग्रीक सिटी स्टेट्स का थोड़ा सा सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो ग्रीक सिटी स्टेट में जो सोसाइटी का डिवीज़न था बेसिकली आप उसको तीन पार्ट में कर सकते हो तीन पार्ट में समझने के लिए ज़रूरी है आ, जस्ट अ सेकेंड हाँ सो ग्रीक सिटी स्टेट्स जो थे ये आपके इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी हुआ करती थी सोशल स्ट्रक्चर आपको समझना है तो तीन है सिटीजन्स ट्रेडर्स एंड स्लेव्स सिटीजन्स उन लोगों को कहते थे उन इंडिविजुअल्स को जो पॉलिटिकल अफेयर्स में कंट्रीब्यूट करते थे पार्टिसिपेट करते थे मतलब स्टेट मैनेजमेंट राइट पॉलिटिकल डिसीजन गवर्नमेंट चलाना तो जो लोग इस ग्रुप से बिलोंग करते थे पॉलिटिकल प्रोसेस एंड अफेयर से उन्हें सिटीजनस बोला जाता था आज के टाइम पे सिटीज़नशिप की डिफरेंट मीनिंग uh, है आज के टाइम पे हम सभी सिटीजन्स होते हैं जैसे हमारी जो सिटीजनशिप है वो इंडियन है ना तो हम इंडिया से बिलोंग करते हैं इंडिया के हैं तो हम सभी सिटीजन्स हो गए इंडिया के उस टाइम सिटीज़नशिप का जो कंसेप्ट था वो थोड़ा लिमिटेड था एंड नैरो था तो पॉलिटिकल अफेयर में जो पार्टिसिपेट करते थे उन्हें सिटीजन्स कहा जाता था और इसका डिटेल कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा एरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट में जहाँ पर सिटीजनशिप की थ्योरी एरिस्टोटल ने दी है तो सेकेंड था ट्रेडर्स जो व्यापार एंड ऑल करते थे एंड स्लेवस था जो इन सबको हेल्प करते थे एरस्टोटल में हम लोग डिटेल थ्योरी ऑफ स्लेव्स देखने को मिलता है तो ये कुछ सोशल स्ट्रक्चर था मोटा माटी और एथेंस एंड स्पार्टा आपस में राइवलरी कंट्री थे इन सिटी स्टेट थे सॉरी नॉट कंट्री एथेंस एंड स्पार्टा राइवलरी सिटी स्टेट्स थे एथेंस में डेमोक्रेसी का रूल था एंड स्पार्टा में मिलिट्री रूल था और आप देखेंगे कि एथेंस की हार होती है इस पार्टा के हाथों राइट right, बहुत ही पॉपुलर वॉर है पेलोपोनेशियन वॉर जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा तो ये उस टाइम का कुछ स्ट्रक्चर था तो अगर हम सॉक्रेट्स की बात करें थोड़ा सा हम इनकी बायोग्राफी जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राइट right? तो जो सॉक्रेट हैं बेसिकली ये बॉर्न होते हैं 470 सेवेंटी में एंसियनट ग्रीस सिटी स्टेट्स में और इनका जो प्रोफेशन था पहले एक शिल्पकार का काम का करते हैं ना स्टोन मेकिंग का काम का करते थे फिर इसके बाद से ये मिलिट्री में इन्होंने सर्व किया फिर बाद में इन्होंने टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया और धीरे धीरे इनकी रेपुटेशन ग्रो होती गई एज अ वाइज पर्सन गेटिंग इट तो ये इनके अब जब इतना ये पॉपुलर हो रहे थे ग्रीक सिटी स्टेट्स में तो स्वाभाविक सी बात है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो इन्हें कभी पसंद नहीं करेगी इस तरीके से क्योंकि उन्हें इनसिक्योरिटी हो जाएगी क्योंकि जो सॉक्रेट्स थे इन ये इनका सबसे ज़्यादा जो जो तंग कर रही थी चीज़ें वहाँ की गवर्नमेंट को वो था ये, इनके प्रोग्रेसिव आइडियाज़ सॉक्रेट्स एडवोकेट कर रहे थे आप इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग को अडॉप्ट करना चाहिए अगर हमें ट्रुथ को जानना है तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हमें हर एक आइडिया पे हर एक जो नोशन है उसको क्वेश्चन करना चाहिए और फिर ट्रुथ फाइंड आउट करना चाहिए नेक्स्ट इन्होंने कहा कि हमें इंडिविजुअल्स की ना वर्च्यू पे फोकस करना चाहिए क्योंकि अगर इंडिविजुअल का अल्टीमेट गोल क्या हैप्पी लाइफ एक फुलफ़िलिंग लाइफ जीना उसके लिए क्या है वर्चू हमें डेवलप करनी पड़ेगी एक वर्चुअस पर्सन बनना पड़ेगा एक वर्चुअस लाइफ जीनी पड़ेगी तभी हम हैप्पी लाइफ जी सकते हैं तो इस तरीके के जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ थे इनके और दूसरा चीज़ जो ये स्टेटस क्यों को चैलेंज कर रहे थे तो बिफोर सॉक्रेट क्या चीज़ थी आ, जो वहाँ के टीचर्स थे राइट जो आ, तो वो फोकस कर रहे थे फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लाइफ कुल मिलाकर नेचर एंड यूनिवर्स कैसे काम करता है इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कोई भी आ, टीचर उस समय इस चीज़ पे फोकस नहीं करता था कि भाई गुड लाइफ क्या है वर्चुअस लाइफ क्या है ह्यूमन बींग एक हैप्पी लाइफ एक गुड लाइफ कैसे जी सकता है जब सॉक्रेट्स आते हैं तो उन्होंने इस एस्पेक्ट पे फोकस करना शुरू किया तो कुल मिलाकर सॉक्रेट्स ने स्टेटस क्यों को चैलेंज किया और इस वजह से जो सॉक्रेट्स हैं इन पर एक एलिगेशन लगाया गया कि जो सॉक्रेट है ना, ये क्या कर रहे हैं यूथ को करप्ट कर रहे हैं राइट तो इनको इस चीज़ के लिए करप्ट किया गया कि यूथ को करप्ट कर रहे हैं सिटी स्टेट के और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उस केस को जाता है वहाँ का जो स्टेट था इनको गिल्टी इनके प्रूफ होती है इनके अगेंस्ट में इनको डेथ पेनल्टी मिलती है सो एथेनियन कोर्ट ने अपने जजमेंट में इन्हें डेथ पेनल्टी डिक्लेयर किया और इस तरीके से जो सॉक्रेट हैं वो नो हाँ अपने जो आ, इन्होंने हेमलेक जो हैमल कप था उसमें इनको पीना पड़ा जो ड्रिंक था वो कुल मिलाकर पॉइजन था और इस तरीके से इनकी डेथ हो जाती है और इन्होंने इसे बहुत ही हैप्पली और विलिंगली कंसीडर एक्सेप्ट कर लिया था एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपको पढ़ने को मिलेगी जब एथेनियन कोर्ट में ये केस चल रहा था इनका तो जैसे कि आपको पता है कि सॉक्रेट डायलेक्टिक मेथड का यूज़ करते हैं और डायलेक्टिक मेथड में वो क्वेश्चन आंसर करते हैं मतलब आर्गूमेंट करेंगे फिर काउंटर आर्गूमेंट होगा इस तरीके से डिस्कशन चलता है तो जब कोर्ट केस चल रहा था तो जो ज, जो ज्यूरी मेंबर्स थे तो उनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आप ऐसा कर रहे हैं तो वो कहेंगे हाँ हम ऐसा कर रहे हैं बट आप तो उस उस जो डिस्कशन के दौरान जो सॉक्रेट्स हैं उन्होंने जो ज्यूरी मेम्बर्स थे ना जो जजेस थे उनके ही थिंकिंग को गलत बताया कि भाई जो आपकी जो थिंकिंग है ना उसमें कुछ फ्लॉज हैं जो आपको करेक्ट करना चाहिए तो ज्यूरी मेंबर्स जो नाराज हो गए उनसे इस तरीके से तो ये सब ये और अब तो सॉक्रेट्स ने अपना जो जो मेथड है जो जो फिलोसफी है उन्होंने प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट भी किया था गेटिंग इट तो ये था इनका बेसिक बायोग्राफी आई होप कि बेसिक आइडिया लग गया होगा सॉक्रेट के बारे में आपको आप समझते हैं डायलेक्टिक, कि जो सॉक्रेट्स ने डायलेक्टिक मेथड दिया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है राइट right? इसे हम करते हैं तो अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देखें सॉक्रेट्स का तो उनका मेथड जो डायलेक्टिक मेथड मेथड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बाद में आप चल देखोगे कि प्लेटो ने भी इसे अडॉप्ट किया है तो जो सॉक्रेट्स हैं उन्हें मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग डायलेक्टिक क्या था एक मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग है जिसके थ्रू ट्रुथ को फिगर आउट किया जाता है और इस क्वेश्चन ऑफ मेथड मैथड में जो क्रिटिकल थिंकिंग स्टिमुलेट की जाती है मतलब जो सोचने समझने की क्षमता है उसको डेवलप किया जाता है राइट और जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है राइट अब हम उनसे पूछें कि व्हाट इज़ नॉलेज राइट फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ नॉलेज एक एक आइडिया आया तो क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू जो मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग है तो दूसरा स्टूडेंट है वो उसका आंसर देगा तो पहला स्टूडेंट फिर इसे काउंटर करेगा जो स्टूडेंट बी होगा फिर से वो अपना देगा तो जब तक ये ये डिस्कशन या जो चेन ऑफ डिस्कशन है एंड नहीं हो जाती कि अब फर्दर कोई काउंटर ऑर्गूमेंट हम जनरेट नहीं कर सकते तो आप फाइनली ट्रुथ पर पहुंच गए सो क्वेश्चन आंसर सीरीज तब तक चलेगी जब तक हम ट्रुथ को फाइंड आउट ना कर लें या जो हमारे पास नेक्स्ट काउंटर ऑर्गूमेंट हमारे पास ना बचे और इस तरीके से जो पीपल्स हैं उनको डिबेट पे इंगेज करने के लिए आ, आ, मतलब जो सॉक्रेट्स हैं वो उन्हें इन्फ्लुएंस करते थे सॉक्रेट्स का कहना था कि जो लोग हैं उनको डिबेट में इंगेज होना चाहिए और अपनी लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करना चाहिए जो ऑर्गूमेंट्स देंगे जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ नॉलेज तो उसमें लॉजिकल आंसर देंगे ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब बिना हाथ सिर पैर के आंसर दे रहे हैं तो लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ किया जाएगा उसके साथ ऑर्गोमेंट एंड काउंटर ऑर्गूमेंट को जनरेट किया जाएगा सो पावर ऑफ़ रीज़न एंड लॉजिक बहुत इम्पॉर्टेंट था सॉक्रेट के हिसाब से अगर आपको ट्रूथ डिस्कवर करना है वर्चूज़ डिस्कवर करना है तो अब आपको ये तो पता ही है कि ट्रूथ एंड वर्चू के पीछे सॉक्रेट्स क्यों इतना फोकस कर रहे थे क्योंकि वो स्टेटस क्यों को चैलेंज कर रहे थे और जो सॉक्रेट्स के पहले का टाइम पीरियड था वहाँ पर इंडिविजुअल बीइंग की लाइफ हैप्पी लाइफ हैप्पीनेस वर्चूज़ इन पर इतना फोकस नहीं किया गया था नेचर एंड यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस था तो इसी स्टेटस को चेंज करना था सॉक्रेड को और इस तरीके से सॉक्रेड ने नई चीज़ को प्रमोट किया कुछ प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को प्रमोट किए और इस ट्रूथ एंड वर्चू को अगर डिस्कव कर, डिस्कवर करना है तो प्लेटो को जो आ, ये पता था कि हमें जो ये रीज़न की जो पावर है जो लॉजिक की पावर है इसे यूज़ करना होगा तभी आप क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर सकते हो गेटिंग इट ये ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल आप तीन चार लोग मिलकर डिस्कशन करते हो किसी टॉपिक पर कि जो फॉर एग्जांपल कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इंडिया में वो कितनी अच्छी है क्या वो अच्छा काम कर रही है तो आप मान लीजिए ग्रुप में पाँच छः लोग हैं और आपस में मिलकर डिस्कशन कर रहे हो जो ए बी सी डी लोग हैं वो बात करेंगे कि हाँ इस गवर्नमेंट का ये स्टेप रहा ये एक्शन रहा ये डिसीज़न रहा अच्छी है दूसरा एक ग्रुप है वो कहेगा नहीं इस गवर्नमेंट में ये फ्लॉज हैं या डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है तो इस तरीके से आर्गूमेंट एंड काउंटर ऑर्गूमेंट चलेगा और फाइनली आप एक कंक्लूज़न में निकलेंगे पहुंचेंगे उसके बाद से आपके पास ऑर्गूमेंट नहीं बचेंगे तो फाइनली आप डिस्कवर करोगे कि गवर्नमेंट बेस्ट है या नहीं अपनी लॉजिकल रीजनिंग का क्रिटिकल थिंकिंग का तो ये मेथड आपको समझ में आया कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था मॉरल ट्रुथ को फाइंड आउट करना और लिविंग अ वर्चुअस लाइफ इस अब ये स्टेटस क्यों को चेंज करना ये प्रोग्रेसिव आइडिया कैसे हो गया जिसकी वजह से सॉक्रेट को जहर दिया गया देखो इसके पहले जो सिस्टम था सॉफिस्ट एक नाम सुनेंगे जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ेंगे सॉफिस्ट एक तरीके से प्रोफेशनल टीचर्स थे जो नॉलेज देते थे लोगों को एजुकेट करते थे और उसके बदले में पैसे चार्ज करते थे तो कुल मिलाकर वो आ, स्टेट स्टेटशिप कैसे कर चलानी है राइट और जैसे वेल्दी कैसे बना जाए मनी कैसे आ, आ, मतलब अर्न की जाए पावर को कैसे ऑप्टेन करना है अब पा जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल नॉलेज दे रहे हैं तो पावर को कैसे ऑप्टेन करना है पावर ऑप्टेन करने के बाद आपके पास अथॉरिटी होगी उसके बाद आप पैसे जनरेट कर सकते हैं वेल्दी बन सकते हैं तो जो वर्चूज़ थी जो नॉलेज था वो मटीरियलिस्टिक इन नेचर था यहाँ पर तो जो सॉक्रेट्स आते हैं तो यहाँ पर वो एथिकल क्वेश्चन पुट करते हैं और चैलेंज करते हैं इन सॉफिस्ट को सॉक्रेट्स और सॉक्रेट्स कहते हैं कि ट्रुथ हमारा मनी अर्न करना या मटीरियलिस्टिक नेचर नहीं है जो हाइएस्ट ट्रूथ है हाइएस्ट वर्च्यू है वो है नॉलेज नॉट वेल्थ ये सॉक्रेट्स ने चैलेंज किया जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको और यहाँ से चेंजेस आते हैं इनके प्रोग्रेसिव आइडियाज़ में तो अब सॉक्रेट्स कहेंगे कि भाई हाईएस्ट वर्च्यू क्या है नॉलेज ना कि वेल्थ अगर ह्यूमन बीइंग को हैप्पी होना है एक वर्चुअस लाइफ जीना है तो उन्हें नॉलेज अटेन करना पड़ेगा वर्चूज डेवलप करनी होंगी और इसके बाद आप देखोगे यही ट्रेडिशन अडॉप्ट किया जाता है प्लेटो के द्वारा एरिस्टोटल के द्वारा वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफ़ी में और दिस इज़ द रीजन सॉक्रेट्स को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलासफी मानते हैं तो आई होप यू गॉड द आइडिया सॉफिट्स का जो डायलैक्टिक मेथड है और जो उस टाइम की सिचुएशन थी वो अब हम इसके बाद सबसे पहले देखेंगे थ्योरी ऑफ नॉलेज को सॉक्रेट की ताकि ये आपका कंटिन्यूएशन में रहे सो थ्योरी ऑफ नॉलेज तो जो सॉक्रेट्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ द ह्यूमन बींग और जब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चू है तो हर एक इंडिविजुअल को ये फोकस करेंगे उन्हें प्रेशर डालेंगे कि आपको ये वर्चू डेवलप करना चाहिए क्यों क्योंकि वर्चू डेवलप करना बहुत जरूरी है एक फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए सो so, सबसे पहला क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ नॉलेज में कि वॉय नॉलेज जो सॉक्रेट्स हैं वो नॉलेज को इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं सो इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड जो सेल्फ नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी था एक वर्चुअस लाइफ एंड फुलफ़िल्ड लाइफ जीने के लिए एंड दिस इज़ द रीज़न नॉलेज पर इतना ज़्यादा फोकस किया गया सॉक्रेट के द्वारा सॉक्रेट फर्दर कहते हैं कि जो नॉलेज है एंड वर्चूज़ हैं दे आर क्लोजली कनेक्टेड और बिना नॉलेज के आप वर्चू नहीं डेवलप कर सकते हो सो so, आपको जो सेल्फ़ अवेयरनेस है जो नॉलेज है वो गेन करनी पड़ेगी तभी आप वर्चूस डेवलप कर पाओगे और जब वर्चूज़ डेवलप करोगे तभी आप हैप्पी लाइफ जी पाएंगे दिस इज़ द सिनेरियो। सो पोस्यूट ऑफ नॉलेज इज़ एसेंशियल फॉर द पोस्यूट ऑफ वर्चूज़ सो दिस इज़ द रीज़न जो सॉक्रेट्स हैं वो नॉलेज को इतना ज़्यादा फोकस करते हैं इस पर इतना जोर देते हैं तो अब भाई नॉलेज अगर इतना इम्पॉर्टेंट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सॉक्रेट महोदय ये बताइए कि हम नॉलेज गेन कैसे करें क्या नॉलेज का तरीका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है तो जो सॉक्रेट्स महोदय हैं वो कहते हैं कि जो नॉलेज है इट इज इनेट इन द ह्यूमन माइंड मतलब जो नॉलेज है दैट इज ऑलरेडी प्रजेंट इन द माइंड ऑफ द ह्यूमन बींग जो इंडिविजुअल्स हैं उनके माइंड में ऑलरेडी नॉलेज प्रजेंट है अब हम टीचर की या खुद के असिस्टेंस के थ्रू क्या करना है जो नॉलेज हम जानते हैं राइट right? उसको ही बस हमें क्या करना है रिकलेक्ट करना है रिकॉल करना है तो एक तरीके से जो सॉक्रेट्स हैं वो कहते हैं कि जो लर्निंग है ना जो ऑप्टेन नॉलेज ऑप्टेन करने की प्रोसेस जो लर्निंग है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकलेक्शन रिकलेक्शन में मतलब जो ह्यूमन बींग है उसके अंदर नो उसके माइंड में ऑलरेडी नॉलेज है और हमें क्या करना है लर्निंग की प्रोसेस है उन उस नॉलेज को फिर से रिकलेक्ट करना है तो इस तरीके से ओवरऑल यू कैन से दैट कि जो सॉक्रेट्स हैं वो इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते हैं कि जो नॉलेज है वो हम अपने सेंसेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस के थ्रू हमने कोई चीज़ देखी और आ, इस उस चीज़ पे हमने आ, बोला कि ये नॉलेज हमें हो गया तो जो सेंसेस के थ्रू जो हम अपने नाक आँख कान राइट इनके थ्रू जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो नॉलेज नहीं है सॉक्रेट जो नॉलेज को गेन करने का माध्यम बताते हैं वो है द प्रोसेस ऑफ रिकलेक्शन एंड रेशनल इंक्वायरी जैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं तो नॉलेज गेन करने की प्रोसेस क्या है क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिकलेक्शन एंड रेशनल इंक्वायरी ह्यूमन माइंड में ऑलरेडी नॉलेज है दैट इज़ इनेट नॉलेज और हमें उसे क्रिटिकल थिंकिंग रेशनल इंक्वायरी की प्रोसेस की हेल्प से रिकलेक्ट करना है सो हाउ टू ऑप्टेन नॉलेज अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट ये समझ में आ गया अब नॉलेज इतना क्यों ज़रूरी है मतलब हमने देख ही लिया कि हाँ वर्चुअस लाइफ हैप्पी लाइफ के लिए ज़रूरी है तो फर्दर इसे एक्सप्लेन करते हैं सॉक्रेट अपने एक स्टेटमेंट देते हैं नॉलेज के रिगार्डिंग में कि एन अनएग्जामिंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग आप अपनी लाइफ को अगर अनएग्जामिन करके जी रहे हो तो वो वर्थ लिविंग नहीं है अनएग्जामिंड का मतलब ये है कि आप आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है राइट right? कि आप, आप, आपको अपने इमोशंस का जो अवेयरनेस नहीं है आपको गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है या आप आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे आप हैप्पी हैं तो क्यों नहीं क्यों हैप्पी हैं ये सारी चीज़ें जो सेल्फ अवेयरनेस है ना उसे हम तभी आती है जब आप अपने लाइफ को एग्ज़ामिन करोगे और इस तर अगर आप अपनी लाइफ को अनएग्जामिंड तरीके से जी रहे हो तो दिस इज़ नॉट वर्थ लिविंग ये आज भी बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है हम लोगों की लाइफ से सो वॉट इज एग्जामिंड लाइफ ये क्वेश्चन आता है कि भाई सॉक्रेट महोदय आप ये स्टेटमेंट तो यूज़ कर रहे हैं पहले ये बताओ हमें कि एग्जामिंड लाइफ होती क्या है तो अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट एग्जामिंड लाइफ वो लाइफ है जहाँ पर हम सेल्फ़ नॉलेज को परस्यूट करते हैं सो so, हमें जो इंडिविजुअल्स हैं ह्यूमन बींग हैं उन्हें ट्रूली अंडरस्टैंड करना है अपने आप को अब अपने आप को अंडरस्टैंड करने का मतलब है अपनी लिमिटेशंस, अपनी जिसे हम वीकनेसेस कहते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं वो क्या है तो ये सेल्फ नॉलेज को ही वो कहते हैं कि एग्जामिंड लाइफ होना तो एग्जामिंड लाइफ समझ में आ गई तो नेक्स्ट आता है कि भाई सॉक्रेट महोदय ये बताइए कि वाई एग्जामिंड लाइफ भाई हमें अपनी लाइफ को इतना एग्जामिन करके क्यों जीना है सेल्फ नॉलेज क्यों चाहिए तो सॉक्रेट्स के अकॉर्डिंग वो इंडिविजुअल्स जो एग्ज़ामिंड लाइफ जीते हैं जिन्हें सेल्फ़ नॉलेज होता है जो ट्रूली अंडरस्टैंड करते हैं अपने लिमिटेशन्स को अपने अपने स्ट्रांग पॉइंट्स को वो वाइज डिसीज़न लेने में कैपेबल होते हैं तो इंडिविजुअल्स और बेटर इक्विप्ड टू मेक वॉइस डिसीजनस क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी लिमिटेशन्स क्या है मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है अपने आप से मतलब भली भांति परिचित है इसे ये कह सकते हैं तो सेल्फ नॉलेज है सेल्फ अवेयरनेस है तो आप कॉन्सिक्वेंसिस को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आप जो डिसीजन मेकिंग है वो बेहतर ले पाओगे राइट right? और ये इसलिए भी असेंशियल है ताकि इंडिविजुअल्स एक वर्चुअस एंड फुलफुलिंग लाइफ जी सके जैसे फॉर एग्जांपल हम बीइंग अ स्टूडेंट अपनी वीकनेसेस और लिमिटेशन हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपना कैरियर ऑप्शन को डिसाइड कर पाएँ और जब हम अपनी स्ट्रांगनेस अपने इंटरेस्ट अपनी वीकनेसेस के आधार पर कैरियर डिसीज़न लेंगे तो हम ज़्यादा चांसेस हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे अगर हम भीड़ का हिस्सा बन गए कि मेरे दोस्त कर रहे हैं मेरे आजू बाजू वाले सब यही कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा तो वो क्या हुआ ऐसे ही मतलब चूजिंग अ मेज़र कि आप भीड़ का हिस्सा बन गए आपने अपना तो सोचा ही नहीं कि आप इसके लायक हैं या नहीं तो उसमें सक्सेस के चांसेस कम होंगे तो इसी तरीके से सॉक्रेट कहते हैं कि एग्जामिंड लाइफ से क्या है इंडिविजुअल्स एक वर्चुअस एंड फुलफिलिंग लाइफ जी सकता है क्योंकि वो वाइज डिसीजन लेगा गेटिंग इट सो पॉस्यूट सॉक्रेट्स के अकॉर्डिंग जो पर्स्यूट ऑफ नॉलेज एंड विजडम है दिस इज द लाइफ लाइंग प्रोसेस हम लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं राइट एंड ट्रू विजडम इज़ द रिकोगशन ऑफ वंस ओन इग्नोरेंस एंड ट्रू विज़डम या ट्रू नॉलेज उस इंसान को तभी होगा जब वो अपनी इग्नोरेंस को रिकोगनाइज करता है इसीलिए लिए बार बार यूज़ करते हैं कि आई नो नथिंग राइट तो अपनी इग्नोरेंस अपनी अज्ञानता का अगर आपको नॉलेज है कि आपको क्या नहीं आता क्या नहीं पता है सो दिस इज़ द ट्रू विजडम अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट सो so, इस तरीके से सॉक्रेट फर्दर बिलीव करते हैं कि जो वाइजेस्ट पर्सन है ना वही है जो जिसे ये पता है कि अपनी उसकी लैक ऑफ नॉलेज क्या है और उस लैक ऑफ नॉलेज को गेन करने के लिए वो लगातार एफर्ट्स करता है दैट इज़ द वाइजेस्ट पर्सन और उसके पास ट्रू विजडम है तो गॉट इट द आइडिया ऑफ़ ट्रू विजडम एंड द वाइजेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सोकरेट वो वो जैसे अपनी इग्नोरेंस मतलब अपनी अज्ञानता का एहसास है कि उसे क्या नहीं पता है किस चीज़ का नॉलेज नहीं है और उस लैक ऑफ़ नॉलेज से बाहर आने के लिए उस नॉलेज को गेन करने के लिए वो लगातार एफोर्ट भी करता है सो दैट इज़ द वाइजेस्ट पर्सन सो ये थी थ्योरी ऑफ नॉलेज एकॉर्डिंग टू सोक्रेट सो अगर हम इसको समराइज़ करें अपने डिस्कशन को सो थ्योरी ऑफ नॉलेज जो सॉक्रेट्स की है वो बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करती है कि जो नॉलेज है दैट इज़ इनेट इनेट का मतलब है कि ह्यूमन माइंड में या इंडिविजुअल्स हैं उनके माइंड में नॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमें ज़रूरत है कि री एंड रेशनल इंक्वायरी की हेल्प से उस नॉलेज का एक्विजिशन करें रिकॉल करें रिकलेक्ट करें और इस प्रोसेस में सेल्फ़ अवेयरनेस एंड एग्जामिंड लाइफ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस और एग्जामिंड लाइफ के थ्रू हम नॉलेज को रिकलेक्ट कर रहे हैं और विजडम ट्रू विजडम क्या है जब इंडिविजुअल्स अपनी इग्नोरेंस अपनी अज्ञानता अपनी जो नॉलेज की कमी है उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको पाने के लिए ऑप्टेन करने के लिए लगातार एफर्ट्स करता है सो दिस इज़ दी थ्योरी ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू सॉक्रेड तो आई होप कि इतना आज का जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है सॉक्रेट्स की ये समझ में आई होगी एंड कोई डाउट हो तो नीचे मुझे कॉमेंट कर सकते हो सो प्लीज़ गाइज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर